नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अमृतसरी छोले और साथ में आलू भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अमृतसरी छोले बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप बहुत कम मेहनत में बहुत टेस्टी अमृतसरी छोले बना सकते हैं। और साथ में आलू भटूरे के लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये भटूरे आज हम बनाएंगे बिल्कुल हाई फाइबर वाले, क्योंकि इसमें मैंने आटा और सूजी का यूज़ किया है, तो ये प्योर मैदे के नहीं होंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने 1 बाउल मैदा लिया है, और ये लिया है मैंने 1 बाउल आटा, गेहूँ का आटा, सिंपल आटा है। और लगभग मैंने ये 1/2 बाउल लिया है सूजी, लगभग ये 4 बड़े चम्मच सूजी है। तो इनको पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं डाली हूँ ये 3 बड़े चम्मच दही, ये मैंने हल्की सी खट्टी ली है, जिससे इंस्टेंट हमारा बनेंगे भटूरे ये। और ये 2 बड़े आलू लिए हैं मैंने, जिनको बॉईल करके मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब इसके साथ हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। अब इसे हमें मलना है, पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है हमने डो को। और अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दही भी है और आलू भी हैं, दोनों में अपना मॉइस्चर है, हमें ज़रूरत लगेगी तो हम पानी डालेंगे। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा मेज़रमेंट लगभग 2.5 कटोरी आटे के लिए है, तो इसलिए मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी सामान कम ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपका ये डो ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है, पूड़ी के आटे से सॉफ्ट है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाकर और इसको रेस्ट करने रख देंगे केवल 15 से 20 मिनट के लिए। इतने हम अपने छोले बनाएंगे और तब तक ये रेडी हो जाएगा। और देखिए, ये सफ़ेद वाले छोले हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके लिए मैंने रात को इनको भिगो दिया था, और सुबह दुगना पानी डालकर इसमें नमक 2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून से भी कम सोडा डालकर, खाने वाला मीठा सोडा जो होता है उसको डालकर वो बॉईल कर लिया था। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बाकी हम काम जब हम तड़का बनाएंगे इसका तो उसमें करेंगे। तो इसी तरह से आप बॉईल कर लें अच्छे से, इसको लगभग 15 मिनट के लिए बॉईल करना है छोलों को। तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने ये एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ये जीरा डाल दिया है। तो जब ये जीरा तड़क जाएगा तो इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, जिससे हम कोई भी हम डालेंगे इसमें प्याज लहसुन वगैरह तो वो चिपकेगा नहीं कढ़ाई पर। तो देखिए, तेल अच्छा गर्म है। अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, फाइन पेस्ट बना लिया है। और इसको अब हम भूनेंगे, अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसको भूनना है। लेकिन इसके साथ ही पहले हम इसमें डाल देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैंने ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया है, और ये मैं 1 टीस्पून डाल देती हूँ इसमें। तो इनको मीडियम फ्लेम पर हम भूनने देंगे कलर चेंज होने तक, और तब तक हम अपना सूखा मसाला बना लेंगे। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून जीरा, और इसमें साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच अजवाइन, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है पेट के लिए भी, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है ये, और फ्लेवर भी। और 1/2 टीस्पून से भी कम इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। इसमें मेज़रमेंट का आप ज़रूर ध्यान रखें, जैसा जैसे इसमें मैं डाल रही हूँ उसी हिसाब से आप डालें। और इसमें डालेंगे हम 4-5 लौंग, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 6-7 हैं ये छोटी इलायची, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और 2 मैंने इसमें डाली है मोटी वाली इलायची, काली वाली जो होती हैं। और इसमें मैं डाली हूँ साबुत काली मिर्चें, ये मैंने डाली है लगभग 1/2 टीस्पून, और 1 छोटा सा टुकड़ा हम डालेंगे दालचीनी का। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता, 3-4 मैंने लिए हैं ये, और 4-5 सूखी लाल मिर्चें भी डाली हैं। ये मसाला अब हमें बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, कोशिश करें कि थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जलना नहीं चाहिए, इसको लगातार चलाते रहें। और इसको भूनना है हमें, क्योंकि यही मसाले में, ये जो सूखा मसाला है इसी से बिल्कुल कलर भी आएगा हमारी ग्रेवी में, इस फ्रेश मसाले से फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, प्याज हमारे भुन चुके हैं, मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, और इसके साथ मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग मैंने 4 बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है, बिल्कुल टमाटर का फाइन पेस्ट बना लिया है। और अब इसको हम अच्छे से भूनने देंगे, और इधर हमारा मसाला भी भून चुका है, वो भी उसको मैंने ठंडा करने रख दिया है। और ये देखिए, मसाला भूनने लगा है काफ़ी, और तेल भी छोड़ने लगा है अब।
तो लगभग 5 मिनट ही हुए हैं और ये इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मसाला ये काफ़ी रेडी है बिल्कुल, और मैंने जो मसाला सूखा मसाला बनाया था उसे मैंने पीस लिया है। तो और इसमें डाल देते हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले से। छोलों के लिए अगर आप ये फ्रेश मसाला बनाकर डालते हैं तो बिल्कुल इसमें जान आ जाती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इसके अलावा फिर आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने सारे मसाले पहले ही डाल दिए हैं, मिर्च भी डाल दी है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है। अमचूर पाउडर भी हम डाल चुके हैं, तो ये मसाला रेडी है। देखिए काफ़ी भुन चुका है और ड्राई हो गया है। तो अब इसमें हम छोले डालेंगे, पहले हम केवल छोले डालेंगे और उसको थोड़े से भूनेंगे इस मसाले के साथ, और उसके बाद ही हम इसमें जो इसके छोले का पानी है वो डालेंगे। तो चलिए पहले मैं थोड़े छोले डाल देती हूँ और फिर इसको हम भूनेंगे। इसमें ये सारे मसाले बिल्कुल छोलों के अंदर तक चले जाएंगे, उसको बिल्कुल फ्लेवर छोलों के अंदर चला जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें अमृतसरी छोलों में चाय की पत्ती भी डाली जाती है, आंवला भी डाला जाता है, अनारदाना से भी इसको खट्टा किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी सामान आपके पास नहीं है और चाय टी बैग्स भी नहीं है आपके पास, या चाय की पत्ती आप नहीं डालना चाहते हैं, तो इस तरह से छोले बनाए, इसका कलर भी बिल्कुल वैसा ही आएगा और स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसको पहले हम भून लेते हैं। तो इसे पहले लिड लगा कर हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो तब तक ये मसाले बिल्कुल अच्छे तक एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और कितना अच्छा कलर भी आ गया है, और सारे मसाले का फ्लेवर छोलों के अंदर तक चला गया है। और अब इसमें हम सारी तरी डाल देंगे, इसमें जो छोले का पानी हमने बचाया था, और अभी थोड़े से गाढ़े लग रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडे होंगे और भी गाढ़े होते जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैं लगभग हाफ़ कटोरी के करीब मैं इसमें और डाल देती हूँ और इसे बॉयल होने देंगे। और 5 मिनट के लिए फिर हम इसमें लिड लगाकर इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए, जिससे अंदर अपनी स्टीम में ही या अपने फ्लेवर में खूब अच्छे से पक जाएगा। तो लगभग 5 मिनट बाद अच्छे से बॉयल आने लगा है इसमें और ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए भटूरे भी तल लेते हैं हम। तो देखिए काफ़ी अच्छा डो तैयार हो गया है और हल्का सा इसको पहले हम मल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले हाथों में हल्का सा तेल लगा लिया है और खूब अच्छे से इसको थोड़ा सा मैंने मसल कर मल लिया है। तो चलिए इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। आप हल्का सा आटा लगाकर भी बना सकते हैं, ऑयल लगाकर भी बना सकते हैं। तो ये पेड़ा मैंने एक बना लिया है और इसको फिर बेलना शुरू करते हैं। मैं हल्का सा ऑयल लगाकर बना रही हूँ, और शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबी शेप इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा ऐसे लंबा हम बेल लेंगे और थोड़ा सा पतला रखें इसे, तो ये अंदर से बिल्कुल अच्छा बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल। और ये देखिए एक तरफ मैंने ऑयल भी गर्म करने रख दिया है, तेल अच्छा गर्म हो चुका है। मैंने ये छोटी सी गोली डालकर देखी तो ये ऊपर तैर कर आ गई है, इसका मतलब तेल अच्छा सा गर्म है। जब तेल बिल्कुल अच्छा तेज़ गर्म हो उसी समय हमें डालना है भटूरा, और ये अपने आप फूल कर ऊपर आएगा। तो देखिए बिल्कुल फूल गया है अपने आप, तो इसे पलट देते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और अब इसको हम साइड से हल्का हल्का प्रेस करते हुए साइड्स भी इसकी तल लेंगे, क्योंकि जब ये फूल जाता है तो साइड्स थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं। तो हल्का हल्का बिल्कुल हल्के हाथों से और इसकी साइड्स चारों तरफ से इसको तल लेंगे। तो ये भटूरा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे गर्मा गर्म सर्व करें अमृतसरी छोलों के साथ। तो देखिए कितने बढ़िया बने हैं ये भटूरे। इसी तरह से मैं एक और तल कर दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल तेज़ तेल गर्म होगा तो आपका बिल्कुल भटूरा फूलेगा। भटूरे को थोड़ा सा पतला बेलें और तेज़ तेल गर्म में डालें तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके भी भटूरे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका, और ये आलू वाले भटूरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपली हम जो भटूरे खाते हैं उससे बहुत ही अच्छा लगता है फ्लेवर इसका। और इसे हमने बनाया है आटे और सूजी के साथ मिलाकर, तो ये बिल्कुल हाई फाइबर वाला भी हो गया है, तो बिल्कुल इसको खाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये रेडी है हमारे छोले भटूरे सर्व करने के लिए। तो लग रहे हैं ना कितने बढ़िया ये छोले और भटूरे, और बिल्कुल फूले फूले भटूरे हैं। देखिए बिल्कुल कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हैं, फूले हुए हैं, और हल्की सी जो खटास दही से आनी चाहिए, अगर आप हल्का सा खट्टा दही डालते हैं तो बहुत अच्छा एक खटास भी आएगी भटूरे में। और ये छोले बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल जल्दी बन जाने वाले हैं। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मसाले हैं तो उनको हल्का सा रोस्ट कर लें, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाएं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।